साथियों, आज समय की मांग है कि देश के जिले भी अपनी आर्थिक प्रगति के लिए आपस में स्पर्धा करें। कोई जिला जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसका राज्य भी आगे बढ़ेगा और इसका सीधा प्रभाव पूरे देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा। और इसलिए भविष्य में आप जिस भी जिले में नियुक्त हो वहां पर आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए हर प्रकार के प्रयास, जैसे मानो एक्सपोर्ट ले लीजिए, क्या आपके जिले में एक्सपोर्ट होता है? वहां की कोई प्रोडक्ट दुनिया के देशों में जाती है? क्या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपका कोई योजना है? आप टारगेट तय करें। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपकी साझा ताकत से हम हर लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। साथियों, बड़े लक्ष्यों के लिए हमारे निर्णय स्पष्ट हो, समय पर हो, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जो निर्णय लेने से बचने की कोशिश करते हैं। इससे व्यक्तिगत स्तर पर लाभ हानि हो या न हो, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप सभी से, देश को हमें समाधानों की अपेक्षा है, स्टेटस को की अपेक्षा आपसे नहीं है। साथियों, आप पूरी आजादी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर सके, इसके लिए हर जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ट्रांसफर राज खत्म हो, एक स्टेबल टेन्योर ब्यूरोक्रेसी को मिले, पोस्टिंग की लॉबिंग नहीं, एबिलिटी काउंट हो, ट्रेनिंग के मौजूदा सिस्टम को ओवरहॉल करने के प्रयास के तो आप खुद साक्षी बन चुके हैं। हम एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं जो कंटिन्यूअस कस्टमाइज्ड डिलीवरी पर आधारित होगा।